कश्मीर में कोरोना योद्धा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद कई सारे सवाल हैं। तो वीडियो में युवक बता रहा है, बात कर रहा है, पुलिसकर्मी नशे में ड्यूटी कर रहा है, युवक के घर पर पहुंचा पुलिसकर्मी और पुलिसकर्मी ने युवक की गाड़ी को चोरी की बताया और इसके बाद युवक ने पुलिसकर्मी से जानकारी ली तो दोनों पुलिसकर्मी चुपचाप वहां से रवाना हो गए। हरिकुई क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है और अजमेर का कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र है ये, हालांकि फर्स्ट इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आप मेरे को घर से डिस्टर्ब करके उठा के आए, आप जवाब दो पहले भाई साहब, जवाब देके जाओ भाई साहब एक मिनट, आप कह रहे हो गाड़ी चोरी की है मेरी, आपने ये कैसे कहा? और आपने मुझे घर से बुलाया है और आप दारू पी के आए, आप दारू पी के गली में आए हमारी, नाम क्या बताया भाई साहब? भाई साहब नाम बता के जाइए आप, नहीं वो तो सब संभाले में, आपका नाम बताइए। आप मेरे को घर से डिस्टर्ब करके उठा के आए, तो आप देख रहे हैं ये वीडियो, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं करता है फर्स्ट इंडिया, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब पुलिस वालों से जवाब मांगा जाता है तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम जुड़ गए। शुभम, ये वीडियो इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या इसकी पुष्टि हुई है और ये जो पुलिस वाले दिख रहे हैं, जो वर्दी में दिख रहे हैं, क्या इनके खिलाफ अब तक कोई एक्शन कुछ कहा गया अधिकारियों की तरफ से इस वीडियो को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है ये खारीकुई का बताया जा रहा है और खारीकुई के अंदर कोई युवक है, उसके घर पर पुलिसकर्मी पहुंचे थे कि ये जो उनकी एक्टिवा है, जो गाड़ी थी स्कूटी, वो चोरी की बताई जा रही है, ऐसा वो वीडियो में भी बताया जा रहा है। जब उन्हें उच्च अधिकारियों से बात की गई तो उच्च अधिकारियों ने कहा कि हमारे संज्ञान में मामला है और हम इसकी पड़ताल करवा रहे हैं, अगर जो भी इसमें दोषी होगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वही कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है और जो ये कॉन्स्टेबल है, ये लाइन का कॉन्स्टेबल बताया जा रहा है, हाल ही जो क्षेत्र है इधर कर्फ्यू लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद से यहाँ पे कर्फ्यू है और इस तरीके का वीडियो सामने आना कहीं ना कहीं पुलिस वालों का भी एक चेहरा सामने ला रहा है कि किस तरीके से वो इसका गलत फायदा भी उठा रहे हैं। वही जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जो दोषी होगा, हम अभी कहना मुश्किल है कि युवक जो पुलिसकर्मी है वो शराब के नशे में है या नहीं, युवक की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है, शिकायत आएगी उसके बाद ही इस पर और आगे की पड़ताल शुरू की जाएगी। चलिए शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए। ये कैसे कहा और आपने मुझे घर से बुलाया है?